हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स, मैं वैभव आपका दोस्त आपका होस्ट स्वागत करना चाहूंगा और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे, एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही यूनिक 4D डायनेमिक म्यूजियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे भारत के म्यूजियम के बारे में जिसका नाम है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम। दोस्तों जैसे कि आप में से कई लोग जानते हैं कि गुजरात स्टेट का कच्छ डिस्ट्रिक्ट अपने वैरायटी ऑफ टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है, जहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है रणोत्सव। हर विंटर सीजन में 4 महीनों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है रणोत्सव, जिसे देखने के लिए हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ पे ट्रैवलर्स टूरिस्ट विजिट करते हैं, आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कच्छ के वैरायटी ऑफ टूरिज्म को। दोस्तों कच्छ जो है अपने वैरायटी ऑफ टूरिज्म के लिए फेमस है। यहाँ पे आप जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट व्हाइट सॉल्ट लैंड, मतलब के व्हाइट डेजर्ट देखोगे। यहाँ पे आप बहुत सारे बीचेस देखोगे। यहाँ पे आपको राजा महाराजा के जमाने की काफी सारी ऐतिहासिक इमारतें देखने मिलेगी। मानव सभ्यता की सबसे पुरातत्वीय विरासत धोलावीरा हरप्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसके थ्रेड्स, उसका पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। टेम्पल्स भी है, बहुत सारे पैलेसेस भी है, बीचेस भी है, डेजर्ट भी है और काफी सारे सुपर रीजनल लोकेशंस भी है, बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है। तो कच्छ एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है आपके फैमिली हॉलीडेज के लिए। विंटर सीजन में 4 महीने के लिए, यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया जाता है रन उत्सव। इसके अंदर हजारों लाखों ट्रैवलर्स जो है विजिट करते हैं। तो दोस्तों कच्छ में जो है एक और नया अट्रैक्शन जो है वो ऐड होने जा रहा है, जो है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम। दोस्तों स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल और म्यूजियम यूनिक इसलिए है दोस्तों, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज से तकरीबन 20 से 21 साल पहले एक दहशतकारी भूकंप ने, एक अर्थक्वेक ने कच्छ डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, जिसका मेजोरिटी ऑफ इफेक्ट जो है वो भूज सिटी में हुआ था, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के सेंटर पॉइंट भूज सिटी में। दोस्तों इस दहशतकारी भूकंप ने, इस विनाशकारी भूकंप ने कच्छ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। 12,000 से भी ज्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा चुके थे, हजारों लोग जो है वो घायल हो चुके थे, बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ था, हजारों और करोड़ों की संपत्ति जो है वो बर्बाद हो गई थी, कच्छ पूरी तरीके से खत्म हो गया था। दोस्तों कच्छ की हिम्मत ने और कच्छ के लोगों की मेहनत ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ दृष्टि और प्रेरणा से कच्छ को जो है वापस से खड़ा होने की जो है हिम्मत मिली, ताकत मिली। और दोस्तों आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही 28th of August 2022 को इसका जो है उद्घाटन होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों इस म्यूजियम में आपको क्या देखने मिलेगा, ये अनोखा क्यों है, यहाँ पे जो है वो यूनिक क्या है? तो दोस्तों इस म्यूजियम में अर्थक्वेक की सारी मेमोरीज जो है वो 4D के अंदर आपको एक सिमुलेशन के जरिए दिखाई जाएगी। यहाँ पे आप हूबहू देखोगे कि अर्थक्वेक में क्या माहौल था, क्या दहशत फैली थी, उसका जो वाइब्रेशन था, उसकी जो वॉइस, वो आपको 50 डिफरेंट ऑडियो वीडियो विजुअल्स में आपको दिखाया जाएगा। इसके अंदर होलोग्राम भी है, इसके अंदर सिमुलेशन भी है। जो भी 12,000 लोग इसके अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं उनको आप ट्रिब्यूट भी दे सकते हो। दोस्तों ये मेमोरियल और म्यूजियम जो है वो भुज के सेंटर पॉइंट भुजियो हिल के ऊपर बनाया गया है, जिसकी एरिया की अगर हम बात करें तो 470 एकर्स में ये फैला हुआ है, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल जो है 170 एकर्स का जो है वो डेवलपमेंट हो चुका है, जिसके अंदर 8 ब्लॉक्स हैं। 8 ब्लॉक में आपको अर्थक्वेक की अलग अलग मेमोरीज दिखाई जाएगी। आप जो है वहाँ का अर्थक्वेक सिमुलेशन देख सकते हो, वहाँ पे थिएटर्स भी है, वहाँ पे बहुत सारे जो है चेक डैम्स है, सोलर पावर का एक प्लांट भी है, काफी सारे जो है आप चीजें वहां पे देखोगे। यहाँ से आपका जो है सन पॉइंट भी है, भुज का आप टॉप व्यू देखोगे, सनराइज सनसेट भी बहुत अच्छा आप वहां पे देखोगे। और बाकी का जो 470 एरिया है, 470 एकर्स जो है वो भी बहुत जल्द डेवलप होगा। भुजियो हिल पे एक बहुत ही हिस्टोरिकल फोर्ट भी है, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है फोटोग्राफी करने मिलेगी, बहुत ही अच्छा जो है आप वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों ट्रैवलर्स को एक यूनिक और एक यादगार एक्सपीरियंस देने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर 4D और सिमुलेशन, अलग अलग 50 या 60 टाइप के जो है ऑडियो वीडियो मॉड्यूल्स, और इसके अंदर जो है होलोग्राम, इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन,
और भी बहुत सारे स्क्रीन्स होंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, और मतलब किसी भी टाइप के डिजास्टर से आप कैसे फाइट कर सकते हो उसकी साइंटिफिक आपको प्रैक्टिकल जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे देर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर, लॉट टू अंडरस्टैंड। आपको ये जो है जरूर से विजिट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो रण उत्सव को, तो उसकी जो है टूर की पूरी डिटेल्स जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। आपको कैसे अपने ट्रिप को प्लान करना है, कैसे अपने बजट को, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों एक बात मैं आपको खास रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको जो है ये म्यूजियम वंस इन अ लाइफ जरूर से देखना चाहिए। दोस्तों आप ऐसे देखोगे तो आप खुद कहोगे कि कैसे कच्छ जो है उसने सरवाइव किया है, कैसे वो मेहनत करके उभर के वापस आए हैं। ठीक है, ये इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ दृष्टि है, उनकी प्रेरणा है, उनकी मेहनत है, जिसकी वजह से आज विश्व भर में कच्छ का जो है वो नाम है। ठीक है दोस्तों, ये म्यूजियम साबित हो सकता है एक परफेक्ट ट्रिब्यूट वो सारे विक्टिम्स को जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपने धन दौलत घर बार और अपने परिवारजनों को खोया है, उनके लिए एक परफेक्ट ट्रिब्यूट साबित हो सकता है। तो दोस्तों इनको ट्रिब्यूट देने के लिए आपको ये म्यूजियम जरूर से विजिट करना है। और 28 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है इनके जो है जहाँ पे इनकी सभा है कच्छ यूनिवर्सिटी जिसको बोला जाता है, वहाँ पे उनके उनके साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप जुड़ नहीं सकते, फिजिकली जा नहीं सकते वहाँ पे, तो आप जो है अलग अलग सोशल मीडिया में जो है आप देख सकते हैं इनका लाइव स्ट्रीम। हम भी इसके लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो है ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं इसको। तो जैसे भी आप जो है ट्रिब्यूट दे पाओ, जैसे भी आप जुड़ पाओ, जैसे भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस म्यूजियम के बारे में जान पाओ, ये बहुत ही आपके लिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। देश के ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली हमने विजिट किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे भी आपको वही सारे एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको खास रिकमेंड करना चाहूँगा कि मोदी जी के इस सराहनीय कार्य को जो है आप सपोर्ट करें, उनका जो है विजन वो समझने की कोशिश करें, उनकी सभा को जो है आप ज्वाइन करें। फिजिकल कर सकते हैं तो फिजिकल आप सभा में जा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे इवन हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है आप देख सकते हो। बस दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी अच्छा सा रिव्यू हो, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट के जरिए जरूर से बताइए। साथ ही साथ हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए वैभव ब्लॉग्स को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, करेंगे किसी नए जगह को एक्सप्लोर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी अच्छा सा रिव्यू हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर से बताइए। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल वैभव व्लॉग्स को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे ट्रैवल वीडियोस को आप देख सको, एंजॉय कर सको। टूरिज्म और ट्रैवलिंग के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है होटल बुकिंग का, व्हीकल हायरिंग का, गाइड हायरिंग का, या फिर कोई कस्टमाइज्ड टूर पैकेजेस का, या फिर आपको किसी भी टाइप की स्पेशल परमिशन चाहिए या लोकेशन चाहिए अपने मूवी शूट या वीडियो शूट के लिए, तो भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कांटेक्ट डिटेल आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टेंटली आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप भी हमारी सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बनने के लिए फॉलो कर सकते हो हमें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके जरिए आपको हमारे सारे ट्रैवल अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे।